आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान ने बालाकोट में आतंकी कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया है। चेन्नई में कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत एक एयर स्ट्राइक में बालाकोट को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान इस जगह पर फिर से आतंकी गतिविधियां करने लगा है। बता दें कि 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इस स्ट्राइक में जैश के ट्रेनिंग कैंप नष्ट कर दिए गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने रैली का संबोधन किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने देश के अलग अलग भाषाओं में सबक ही कबूल कर दिया। हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारतीय और अमेरिकी संस्कृति से जुड़े कई प्रोग्राम किए गए। इस दौरान भारतीय और अमेरिका के मूल पूर्व लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम किए। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को भी याद किया गया। इस बीच महात्मा गांधी के सबसे पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए गाया गया, तो भजन को गाने में भारतीय और अमेरिकी मूल के सिंगर साथ में स्टेज पर आए और महात्मा गांधी को याद किया। पीएम मोदी के प्रोग्राम के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने उधार के विमान से पहुंचे। इस मुलाकात में इमरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर करने को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इमरान खान यहां 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जेल से हाउडी मोदी को बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर चिदम्बरम ने कहा कि बेरोजगारी, नौकरियों पर संकट, मॉब लिंचिंग, कश्मीर में तालाबंदी, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और कम वेतन छोड़कर भारत में सब अच्छा है। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट, त्रिपुरा की बाधरघाट विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा केरल की पाला विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है, तो चारों राज्यों की चारों सीटों पर रहे उपचुनाव में बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया है। गृह राज्य मंत्री का कहना है कि घाटी में बंद 50,000 मंदिर और स्कूल जल्द खुल सकते हैं। बंद स्कूल और मंदिर का सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति बनाई गई। उत्तराखंड के केदारनाथ में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित, हेलीकॉप्टर एक निजी कंपनी का। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तिहाड़ जेल में बंद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से मिलने पहुंची। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे और चिदम्बरम ने इसके लिए दोनों नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत है तब तक वो भी मजबूत और हिम्मती बने रहे। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के विशेष बेंच ने सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम के वकील ने पीड़िता की उम्र और पॉक्सो एक्ट पर सवाल उठाए और कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी। इस पर बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, इसके बाद सजा स्थगन याचिका को खारिज कर दिया है। भागलपुर शहर डेंगू की चपेट में है, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने वाले नाच गाने में मस्त हैं। मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद टूर पर गए पार्षदों के ठुमके लगाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में वार्ड पार्षद नाच गाने में मस्त है, तो वही 25 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर निगम सभागार में बैठक। आयुष्मान भारत योजना को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। योगी ने कहा कि योजना को लागू करते वक्त चुनौतियां थी और पीएम मोदी को जनता ने पत्र लिखा और उन पत्रों से आयुष्मान भारत योजना आगे बढ़ाई। योगी ने कहा कि लगभग 50 लाख लोगों को राज्य की योजना में जोड़ा गया है। बकाया वेतन और दूसरी मांगों को लेकर यूपी के कई जिलों में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के कर्मचारी हड़ताल पर है। प्रदेश भर के अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सिद्धार्थनगर में जिला जेल के सामने कर्मचारियों ने एम्बुलेंस खड़ी करके प्रदर्शन किया। संभल में एक मकान के सामने दीवार लगाने के विरोध में जमकर लाठी डंडे चले। विरोध करने वाले दबंग कानून को हाथ में लेकर लाठियों से बरसात कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। सिद्धार्थनगर में एनसीसी के 10 दिनों के शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के 400 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया। गोरखपुर एनसीसी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित ने शिविर का निरीक्षण किया। राजपुरोहित ने कहा कि एनसीसी समाज की सेना है और ये लोकल कॉलेज के साथ मिलकर इसको ट्रेनिंग दी।
बिजनौर में 25 लाख की रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया है। यहाँ व्यापारी मुनीर अहमद का आरोप है कि किसी अनजान शख्स ने पत्र लिखकर उसे 25 लाख की रंगदारी मांगी है और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। चिट्ठी मिलते ही व्यापारी ने पुलिस से शिकायत दर्ज की और आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया। भारतीय स्टेट बैंक ने हाउसिंग के साथ ही एमएसएमई और रिटेल लोन के मामले में सभी फ्लोटिंग रेट वाले लोन को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया। इससे बैंक के करोड़ों ग्राहकों को फायदा होगा। ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावित होगा। अगर बैंक में आपका कोई पेंडिंग काम है तो उसे फटाफट निपटा लें, क्योंकि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हड़ताल और अवकाश के चलते बैंक बंद रहने वाले हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंकों के विलय के विरोध में हड़ताल बुलाई है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले बैंकों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का असर सोमवार को भी शेयर बाजार में देखा गया। सेंसेक्स में 1300 अंकों की बढ़त दर्ज की गई तो विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। दोपहर 3 बजे तक सेंसेक्स करीब 1415 अंकों की बढ़त के साथ 3,94,032 पर पहुंच गया। प्याज की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार व्यापारियों के पास इसके स्टॉक की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। ज्यादा बारिश और सप्लाई में कमी के चलते पूरे देश में प्याज का भाव आसमान छू रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में अगर प्याज के भाव में गिरावट आती है तो सरकार व्यापारियों के पास इसके स्टॉक को सीमा तय कर सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने पानीपत रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भिवानी की तरफ से जाने वाली ट्रेन में डिब्बे के कम होने तो पंचकुला जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर्स 61 साल के एक बुजुर्ग को एमआरआई मशीन में डालकर भूल गए तो वही बुजुर्ग की सांस जब टूटने लगी तो खुद निकलकर बाहर आया। पीड़ित ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से की, जिसके बाद उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि टेक्नीशियन ने ही मरीज को बाहर निकाला और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कराई जा रही है। सोनीपत में दो बदमाशों ने दीपक नाम के शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान ही पूरी वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक दीपक सिविल इंजीनियर का काम करता था। यमुनानगर जिले में एक हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला रादौर इलाके का है, जहां एक जम्पर का टायर अचानक फट गया। इस दौरान गाड़ी चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा दी है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच भारत ने 7 विकेट से जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए आखिरी मैच में टीम इंडिया को हार का सामना तो करना पड़ा, पर मैच में एक मजेदार घटना तब देखने को मिली जब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। भारत में पहली बार होने वाले एनबीए के मुकाबले को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुझे इस इवेंट के लिए बुलाएं तो मैं भारत आ सकता हूं। अगले महीने मुंबई में 4 और 5 अक्टूबर को पहली बार एनबीए के मैच होंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका से अपना आखिरी मुकाबला भले ही हार गया हो, पर भारतीय टीम से ज्यादा ऋषभ पंत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ऋषभ का लगातार मौके मिलने के बाद भी वो अपने बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के युवा पहलवान दीपक पुनिया चोट की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं उतर पाए हैं, जिससे उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा है। पुनिया को 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में ईरान के हसन याजदानी का सामना करना था, लेकिन चोट की वजह से वो मुकाबले में उतर नहीं पाए।